our defense sector, will he just get more and more points as usual he gets? We have to wait for that. Yes, he just trying to. तो ऐसे भी क्वालिफाई कर जाएंगे हारने के बाद भी, क्योंकि मन बात करे 32 पॉइंट के अंतर से जीतना होगा तो पटना के लिए दार ये खेल का कारवां जेके सीजन ने 11 जबरदस्त कहते हैं वीरों की धरती जवानों का देश गाजीपुर उत्तर प्रदेश उस क्षेत्र से आते हैं देखना होगा ऐसे वे ऐसे फ्रॉम उत्तम नगर दिल्ली परफॉर्मिंग वेल फॉर इस साइड एंड पंजाब पल्टन दे आर इन द कोजी स्टेट दे नो वेरी वेल द पाथ टू द सेमीफाइनल कम वी हैव टू वेट अमर इज द मैन नंबर 7 ही हैज कम अमर सिंह इज द नेम फ्रॉम टोंक राजस्थान बट ही इज आउट देयर अब निखिल आए हैं 18 नंबर के जर्सी में रेड की कमान लेकर के निखिल अशोक जो कि बात करें महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले इसे वेच डैश ईच वन पॉइंट सोनू बाहर चले गए डैश करने के प्रयत्न में इसे वेच देखना होगा पटना पावर्स की रेड आती हुई पटना 6 पे पंजाब 7 मुकाबला अगर बड़े अंतर से न हारे तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी गोवा इस बात कर इस पुल में ऑलरेडी सेमीफाइनल में और पुल भी इससे गोरखा लेकिन इसमें knows very well that they are just going to the semi finals baat kare pakshim bangal sarkar mein fire aur emergency department mein karyarat hain aur jante hain muqable mein bhi kabhi bhi emergency aa sakti hai isliye ko sochna hoga karambir singh ek anubhavi coach hain dekhna hoga pradarshan acha raha tha bataur coach unka kis tarike se aaj ke is muqable mein khelti hai team riyadra malik super tackle zone and kirshan is the man he is popular to score point have a weird style of reading but scoring every time so if you are scoring everything is good for you bilkul sahi kaha apne is baar patna pa ab 7 number ke jersey mein punjab ke raid ki kaman krishnapal devda ka jo jana jata hai krishi ke sampanta ke liye madhya pradesh mein aur us so now amar singh taking the charge and scoring one more talam मध्य प्रदेश अगेंस्ट द थ्री मैन दिस इज विसेन जेकर 11 किसान स्वीट सेंडर यादरा मलिक सुपर टैकल जोन हियर कम्स द डिफेंडर बट नॉट एनफ लेफ्ट कवर इज आल्सो रेडी हियर कम्स द राइट कवर विकास डिड द टास्क फॉर हिज स्कोरिंग नाउ नंबर 18 निखिल इज देयर निखिल अशोक इज फॉर हिज साइड जबरदस्त अंदाज में समय निखिल अशोक ने शानदार तरीके से पटना के दो खिलाड़ियों का आउट कैसे वेच ब्लॉक करने रतलाम मध्य प्रदेश से रतलाम देखना होगा इसे वेच शान दैट शोज द सुपर स्किल ऑफ दिस मैन अश्मित कुमार ही सच अ फाइटर फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार एंड हियर कम्स द राइट कॉर्नर अलाउड इन सिरसी नानपुर ऑफ सीतामढ़ी बिहार वाकेट की कमार अमर लेकर के 7 नंबर के जर्सी में अमर सिंह जो कि टोंक राजस्थान के रहने वाले शिकार किया लेफ्ट कॉर्नर का पूर्व का आज का ये पांचवा पंगा प्रशांत को डबल थाई होल्ड एन इंजरी बट दैट वाज नॉट रिलेक्टेंट दैट वाज अननोइंगली हैपनिंग देयर एंड हियर कम्स मोहम्मद हसन टू ब्लॉक दिस मैन दिस टाइम विल बी सक्सेसफुल इस समय इस टीम के लिए सीतामढ़ी बिहार सिरसी नानपुर के रहने वाले बलाल से वेस्ट रेट की कमान अब पटना पावर्स के लिए इस बार गलती के एक्शंस फ्रॉम द कोच करमवीर सिंह सांगवान वाकई में यह मुकाबला पटना पावर्स अगर 32 पॉइंट के बड़े फासले से जीते तो सेमीफाइनल दर्शकों का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ इसे वेच गलती के पंजाब लास्ट एड एंड सोनू फ्रॉम उत्तम नगर दिल्ली he did the task in the defense last time and now Mohammad Hasan is as a right cover here comes Sonu once again but and huge man you can't stop single handedly him ratlam se aate hain krishnapal devda shandar pichla rate kiya ek khela 25 pe punjab 26 pe patna ek ek point ki jaddojahd for both the sides punjab pultan and patna powers here they come ski defense falal char ka ese vich छलांग हाई फ्लायर सो ही वॉज अभिषेक गोंडोमाली फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका ही शॉट इज वेल ओवर एंड ए सिंगल एंड लिस्ट ऑफ द रेडर एंड दिस विवेक इज देयर वेयरिंग 16 फॉर हिज साइड नाउ ही विल नॉट बी अलाउड जस्ट टुवर्ड यूपी यस दिस टाइम दिस इज किसान स्वीट्स अब इस समय हेमंत रेड के कमान 10 नंबर के जर्सी में हेमंत कुमार जो कि 31 पे दूसरे हाफ का खेल
सपोर्ट नहीं मिला टाइमली सोनू को, वरना ये टैकल हो सकता था। शानदार ग्रिप के सहारे एंकल होल्ड की कोशिश। Will he just bring some more points for the side partner? No, he will. And they are just getting the aroma of a sweet hotel area. सात का फुल हाउस पंजाब पावर्स का। इसे बीच शानदार टैकल खेल से शमित जी। Absolutely, these are the very last moments. That is brilliant stuff. The defenders are doing good. And also, मुकाबले में पंजाब जीत की तरफ, चार पॉइंट की लीड, 33-37 आज। They will turn to 39 now. Patna Power 34. And here comes the Raiders. But इस समय पटना पावर्स का ये अनुकूल उनके इस समय परिस्थिति आ रही है पंजाब मुकाबले में बाजी मारने की ओर। डबल था इस पे मुकाबला। इस समय पटना पावर्स 34 पे 41 पे पंजाब पलटन सेमीफाइनल की तरफ बढ़ते हुए। पंजाब के पहले आज आपको सोनू कुशवाहा और कई बेहतरीन परफॉर्मेंस और सूरज का परफॉर्मेंस आपको देख। पंजाब पलटन 43, दिस इज द स्टोरी सो फार लेडीज एंड जेंटलमैन। दिस इज रनिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द गेम एंड वी वेलकम मिस्टर संजय कुमार द जर्नलिस्ट।